वेलकम टू एक्शन क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट जॉब इन रेलवे की डिटेल कवर अप करेंगे। पोस्टें 4499, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, एलिजिबिलिटी 10th पास है और किसी किसी में 10th प्लस ITI है। चलिए इससे आगे हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से जॉब्स निकल कर आ रही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, इसका और अप्लाई करने का लिंक और PDF में हम अच्छी तरह से जानेंगे पहले कि जॉब किसकी है, कौन सी है और कैसे फिल करना है फॉर्म और ऑल डिटेल। जैसा आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन इसमें, ये देखिए आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिफिकेशन है। 13/8 को नोटिफिकेशन आ चुका था। ओपनिंग डेट टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/8 से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट इसकी 15/9 तक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें सीटों की बात करें तो देखिए आप 4499 सीटें हैं और इसमें सिलेक्शन देख लीजिए, लिखा साफ इसमें लिखा है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज यूनिट वाइज कम्युनिटी वाइज। मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसे 10th है और किसी पोस्टों में अगर ITI है तो दोनों का एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। और आगे देख लेते हैं इसमें, ये आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से हैं। इसमें 7 डिवीज़न दिए हुए हैं, एक डिवीज़न में 970 पोस्टें हैं, दूसरे में 493, तीसरे में 435, 1302, 484, 539, 276 टोटल पोस्टों की संख्या अपनी हो गई 4499। एड्रेस ऑफ यूनिट भी दिया हुआ है और कौन से डिवीज़न में है, ये सारी डिटेल दी हुई है इसमें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, साइट पे जा सकते हैं और खुद का खुद फॉर्म भर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप देखिए डिवीज़न पे किस चीज़ की कौन सी पोस्ट है वो आपको दिया हुआ है। मैकेनिक की है, वेल्डर की है, फिटर की है, डीजल मैकेनिक की है, इलेक्ट्रिशियन की है, रेफ्रिजरेटर एंड मैकेनिक की है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकली, ऐसे अलग अलग टाइप की और भी हैं। फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, लाइनमैन है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी का है, मिशन, काफ़ी पोस्टें हैं। और आप अच्छी तरह से PDF में से वॉच कर लेना कि एक आप कौन सी पोस्ट के लिए फिट बैठ रहे हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई करना, क्योंकि इसकी फीस भी ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपीज़ फीस है इसकी फिल करने की, 100 रुपीज़ फॉर्म एप्लीकेशन फीस है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/1/2020। इसमें साफ लिखा 15 साल से ऊपर है और 24 साल तक आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये केवल नॉर्मल जनरल वालों की बात हुई है। जो कैंडिडेट SC ST से अब मतलब अप्लाई करेंगे वो 24+5 29th एज तक इसको फिल कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट जो OBC से रिलेटेड है वो 27th मतलब एज तक फिल कर सकते हैं। और भी है पर्सन विद अ डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट, इसमें 10 साल की छूट है अगर कोई डिसेबिलिटी है और कोई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी 10 साल की छूट है। और हम इसकी और आगे देखते हैं, इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स। 10th पास है देखिए आप इसके अंदर, और जो रिलेटेड रिकग्नाइज बोर्ड से है और जो रिलेटेड ITI किया हुआ है जो उससे मैच करती हो तो वो है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की एग्रीगेट बनेगी मेरिट, उसके बाद सिलेक्शन होगा। पेमेंट ऑफ फीसिस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ ओनली,
फीस पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज अ पार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। आपको डायरेक्ट फॉर्म यहीं से फिल कीजिए। हाँ, पीडीएफ अगर आप पीडीएफ आप ऑन करना है, मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये पूरी आपको वैकेंसी मिल जाएगी डिटेल में और भी आगे। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, जहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन से, जैसे मेन तो आपके 10th की मार्कशीट हो गई जिसमें आपकी एज वगैरह शो होती होगी, आपके मार्क्स शो होते होंगे, और आईटीआई का जो उसमें फिल कर रहा तो वो फिल कर सकते हो सकता है उसमें। इसमें मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ, उस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देखिए यहाँ पे ये साइट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। यहाँ आकर आप करंट ये जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और नीचे आते हुए आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ये GHY वाला करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे तो एक इंटरफेस सामने आ जाएगा। इस तरीके का आप इंटरफेस सामने आएगा, आप देख लीजिए एक सेकेंड जब ये खुल ले, ये इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ आके फिर आप यहाँ क्लिक कर लेना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ये आपका ओपन हो जाएगा। ये सारी डिटेल आप अच्छी तरह से पढ़ के फिल करके उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे यूनिट कहाँ किस यूनिट से फॉर्म भरना है, डिपार्टमेंट है, सेलेक्ट डेट करके कंटिन्यू करना। फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते जाना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो 10th पास है प्लस रिलेटेड सब्जेक्ट से ITI है तो वो ज़रूर फिल करें। मेरिट बेस्ड जॉब है और डायरेक्ट जॉब ले जाए कोई एग्जाम, केवल एक बार फॉर्म ही भरना है आप लोगों को और फीस भी केवल 100 रुपये है। और इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपसे हो रही हो फॉर्म फिल करने में या किसी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दें, हम उसका आपको रिप्लाई कर दें। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।